देर रात सिविल अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने अवैधानिक रूप से मरीजों को डिस्चार्ज करने के मामले को लेकर एक सिस्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी आदेश दिया है। जब से कलेक्टर शशांक मिश्रा उज्जैन पदस्थ हुए हैं, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए उनके प्रयास जारी हैं। वे आकस्मिक रूप से जिले की डिस्पेंसरी और अस्पताल आदि का दौरा करते हैं। सोमवार की रात शशांक मिश्रा अपर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सिविल हॉस्पिटल से अवैधानिक रूप से रेफर किए जाने की शिकायत के बाद औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचे कलेक्टर को पेशेंट के अवैधानिक रूप से रेफर किए जाने के मामले में जानकारी मिली। यहां की व्यवस्थाओं में कलेक्टर ने बढ़ोतरी की संभावनाएं भी तलाशी। आईसीयू को लेकर कलेक्टर ने गंभीर चिंता व्यक्त की, क्योंकि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी थी उन्होंने आईसीयू में जाकर मरीजों को देखना उचित नहीं समझा। इसे कलेक्टर ने गंभीर त्रुटि माना है। वही आईसीयू को लेकर कलेक्टर ने इसके विस्तार की भी बात कही है। साथ ही वार्ड भ्रमण में कलेक्टर को साफ सफाई भी कमतर नजर आई, उसको लेकर भी अस्पताल प्रशासन को उन्होंने संबंधित पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बहुत बड़ी चूक है, तो इसमें जो कंसर्न सिस्टर है जिसने उनका रेफरल तो नहीं बनाया, इनको ऐसे ही जाने दिया, इस पे उनको निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा आईसीयू में मैंडेटरी राउंड होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और 5 बजे से कोई राउंड आईसीयू में नहीं लिया गया था, तो अभी उसको इसमें सिविल सर्जन को भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं, और साथ ही इसमें पूरा रोस्टर बनवा दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे राउंड लेना है, क्योंकि वो मैंडेटरी है। आईसीयू में तो और सतर्क रहना चाहिए हमको।